वहीं सैम पित्रोदा को फिर से ओवरसीज कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने और लोकसभा में सिंगोल को लेकर हो रहे विवाद पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान आया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सैम पित्रोदा मामले में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। सीएम ने कहा कि चुनाव के दौरान कांग्रेस का चरित्र कुछ और होता है और चुनाव के बाद कांग्रेस का चरित्र बदल जाता है। सीएम कांग्रेस से सैम पित्रोदा को पार्टी से बाहर करने की सीएम ने मांग की। साथ ही सीएम ने लोकसभा में सिंगोल विवाद को लेकर विपक्ष पर भी हमला बताते हुए इसे संस्कृति का अपमान बताया। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, कांग्रेस हमेशा चुनाव के समय एक अलग रोल में रहती है और चुनाव के बाद असली चरित्र लाती है। सैम पित्रोदा के माध्यम से भारत के विभिन्न प्रांतों में रहने वाले स्थानीय रहवासियों को, खास करके आदिवासी अंचल के लोगों को अपमान का घूंट पीना पड़ा था और कितना शर्मनाक स्थिति का बयान उनका था। और कांग्रेस ने कहा था हमारा कोई लेने देना नहीं और कांग्रेस ने उनको अपनी पार्टी से बाहर कर दिया और जैसे ही चुनाव निकल गए कांग्रेस अपने वादे से मुकर गई। दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय मान बिंदुओं पे, जिस पे अपने देश की संस्कृति का हमेशा गर्व और गौरव का अनुभव आता है, तमिल संस्कृति के माध्यम से हमारे अपने ऐसे सभा स्थल जहाँ पर विचारों की अभिव्यक्ति होती है और लोकतंत्र का सम्मान होता है, उस स्थान पर सिंगोल रख करके और पवित्र बनाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हुआ था। लेकिन कुछ असमझ लोग, जिनको इस बात की समझ नहीं है कि वो है क्या, ये हमेशा भारतीय संस्कृति का अपमान करते हैं। मध्य प्रदेश में परिवहन विभाग के आदेश पर सियासी बवाल हो गया है। परिवहन विभाग के आदेश पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने निशाना साधा। उमंग सिंघार ने कहा कि आदेश के बाद साफ है कि चेक पोस्ट पर वसूली हो रही है, ये पैसा कहां जा रहा है, सरकार जवाब दे। सरकार के अधिकारी अगर इस प्रकार के आदेश जारी करें तो मतलब ये स्पष्ट है कि सरकार के अधिकारी की नज़र में सामने घोटाले चल रहे हैं। चेक पोस्ट पे प्राइवेट कर्मचारी काम कर रहे, किसके लिए कर रहे हो, किसके लिए चंदा इकट्ठा कर रहे, क्या सरकार के बड़े मंत्रियों नेताओं के लिए इकट्ठा कर रहे, ये पैसा कहाँ जा रहा। तो निश्चित तौर से इस पर तत्काल सरकार को एक्शन लेना चाहिए। और मैं सरकार को ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि नितिन गडकरी जी जब शिवराज जी के समय उन्होंने टोल के लेकर लेटर लिखा था कि उसको खत्म किया जाए, आज तक टोल क्यों नहीं खत्म हुए? क्या अवैध वसूली का धंधा सरकार के अधीनस्थ में हो रहा है? तो इसमें कौन लोग लिप्त है, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की सभी सीट गंवाने के बाद अमरवाड़ा का विधानसभा उपचुनाव कांग्रेस के लिए साक का सवाल बन गया है। कांग्रेस की कोशिश है कि अमरवाड़ा जीतकर कार्यकर्ताओं को बूस्ट किया जाए, लिहाजा प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी खुद अमरवाड़ा में डेरा जमाए हुए हैं। कांग्रेस दावा कर रही है कि वो पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि जीतू पटवारी को छोड़कर कोई भी बड़ा नेता अमरवाड़ा में प्रचार के लिए नहीं जा रहा, ताकि हार का ठीकरा पटवारी पर फोड़ा जा सके। अमरवाड़ा में बीजेपी ने कमलेश शाह तो कांग्रेस ने धीरन शाह इनावती को प्रत्याशी बनाया है, जबकि देव रावण भलावी जीजीपी उम्मीदवार है। पुदरी में शिवराज सिंह के केंद्र में जाने और विजयपुर बीना में कांग्रेस विधायकों के दल बदल के चलते यहां भी जल्द उपचुनाव हो सकते हैं। इस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरे उत्साह और ताकत से मध्य प्रदेश में जनता की आवाज उठा रहा है। अमरवाड़ा का चुनाव जीतू पटवारी जी के सशक्त नेतृत्व, हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में जबरदस्त तरीके से लड़ा जाएगा और जीता जाएगा। अमरवाड़ा उपचुनाव में हार सुनिश्चित देखकर कांग्रेस के सभी बड़े नेता, चाहे कमलनाथ हो, नकुलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, उमंग सिंघार हो, अरुण यादव हो, चुनाव प्रचार से भाग गए हैं, चुनाव प्रचार से दूरी बनाए हुए हैं। अकेले जीतू पटवारी औपचारिकता के लिए चुनाव प्रचार करते हुए दिख रहे हैं। सभी नेता चाहते हैं कि हार का ठीकरा अकेले जीतू पटवारी के ऊपर। खबर टीकमगढ़ से है, जहां जिला पंचायत की बैठक में टीकमगढ़ और जतारा के विधायक नाराज हो गए। बैठक का कांग्रेस के विधायकों ने विरोध किया। दरअसल कुर्सी नहीं मिलने पर टीकमगढ़ और जतारा के विधायक नाराज हो गए और बैठक छोड़कर चले गए। विधायक ने बेइज्जती करने का आरोप लगाया और कहा कि वो ये मुद्दा विधानसभा में उठाएंगे।
अब बात नर्सिंग कॉलेज घोटाले की, जिसमें इंदौर के 9 डॉक्टर्स की विभागीय जांच होगी। एमजीएम मेडिकल कॉलेज में सभी डॉक्टर्स तैनात हैं। 15 दिन के भीतर दोषी पाए जाने पर कार्रवाई हो सकती है। तो जिन डॉक्टर्स पर जांच की आज है, उन डॉक्टर्स के नाम आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। डॉक्टर भावना कनौजिया, 9 डॉक्टर्स में ये भी शामिल डॉक्टर कृष्णा पिल्लई। नर्सिंग कॉलेज घोटाला मामले में विभाग की जांच के आदेश दिए गए। डॉक्टर हिल्दा डेविड, तमाम ये वो डॉक्टर्स जो जांच के दायरे में है। अब बात सिवनी की, जहां गौवंश हत्याकांड मामले में पुलिस ने अब तक 22 आरोपियों को अरेस्ट किया है। पुलिस ने इन आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से इन्हें जेल भेज दिया गया है। मंदसौर स्थित शिवना नदी में मास्क के टुकड़े फेंके जाने को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने नाराजगी जाहिर की है। नाराज बीएचपी बजरंग दल के साथ ही तमाम संगठनों ने एसपी कार्यालय के सामने नारेबाजी की और एएसपी को ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जिस पर एएसपी गौतम सोलंकी ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। में भी सब इंतजाम किए गए थे कि ये जो खराब मटेरियल निकलेगा इसको नगर पालिका के द्वारा, वेस्ट मटेरियल जो गाड़ियों से नगर पालिका की चलती है उसमें फेंका जाएगा। नगर पालिका ने इसकी बहुत बढ़िया व्यवस्था करी थी। उसके बाद भी हिंदू समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए उस जिस क्षेत्र में ये फेंका था उसी जगह का हम सब मंदसौर नगरवासी जल पानी पीते हैं, भगवान के अभिषेक में वही जल काम में लाते हैं और उसी जल में ये फेंक के कहीं ना कहीं हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने का काम करा जा रहा है। ये विश्व हिंदू परिषद और सर्व समाज मंदसौर द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें जो शिवना मैया में अवशिष्ट पदार्थ मिले संबंध में ज्ञापन दिया गया है। इसमें थाना प्रभारी को जांच के आदेश दिए गए हैं, उसमें सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर ग्वालियर से है, जहां अतिक्रमण हटाने के दौरान बवाल हो गया। यहां नगर निगम कर्मचारी को होटल संचालक ने थप्पड़ जड़ दिया, उसके बाद जेसीबी के सामने बैठ गया और निगम की कार्रवाई का विरोध किया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक तरफ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने के लिए निगम की टीम यहां पर पहुंची थी, दूसरी तरफ जो होटल संचालक था वो काफी विरोध में था इस कार्रवाई के और उसे थप्पड़ जड़ दिया। मंदसौर में सेंट थॉमस स्कूल में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, तोड़फोड़ कर दी। हंगामे और तोड़फोड़ का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। एबीवीपी के किसी कार्यक्रम को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ता सेंट थॉमस स्कूल गए थे, जहां सेंट थॉमस स्कूल के फादर के बयान पर हंगामा हो गया। दरअसल फादर ने कहा कि कोई छात्र अपने घर से भगवा पहनकर किसी कार्यक्रम में जाए कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन स्कूल में केवल यूनिफॉर्म ही चलेगी। यहां से कोई भी छात्र अन्य कपड़ों और भगवा में किसी कार्यक्रम में नहीं जाएगा। हंगामे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को सेंट थॉमस स्कूल प्रबंधन ने आवेदन दिया है। जो कॉलेज का पैम्पलेट था, जिसका हमारा प्रोग्राम है, वो पैम्पलेट हमने इनको दिया था, लेकिन इनका कहना है कि आप लोगों ने तिलक लगा रखा है, हम इस परंपरा को नहीं मानते हैं और अगर इस तरीके की अगर कोई आपको बात करनी है तो आप यहाँ से बिल्कुल जा सकते हैं। और इस तरीके से हमें बिल्कुल बेइज्जती के साथ बिल्कुल उन्होंने बाहर पहुँचाया है और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर और आगे भी आप इस तरीके की हिंदू गतिविधियाँ करते हो तो हम उसमें बिल्कुल आपका साथ नहीं देंगे। तीन लोग मेरे
दफ्तर में आए और उनका कहना था कि 9 जुलाई को एक कार्यक्रम आयोजन होने वाला है AVP द्वारा।